नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज सुबह से ही एक खबर टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया में सुर्खियों में है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, क्या उनके द्वारा बनाए गए महागठबंधन इंडिया से खुद वही विदा हो जाएंगे और एक बार फिर बीजेपी के साथ देंगे, या फिर ये कोई नया दांव है सुशासन बाबू का। हालांकि इन कयासों पर तब विराम लग गया जब दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीनियर नेता केसी त्यागी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले को राष्ट्रीय परिषद में अनुमोदित किया गया है। लल्लन सिंह के इस्तीफे को स्वीकार कर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जाति आधारित जनगणना को लेकर देश भर में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन का भी यही एजेंडा होगा। नीतीश कुमार जनवरी महीने में जन जागरण के लिए निकलेंगे, झारखंड से शुरुआत होगी। एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड है और एनडीए में जाने का कयास मत लगाइए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आखिरकार नीतीश कुमार को लल्लन सिंह से छुटकारा मिल गया है। कुछ लोगों का मानना है कि लल्लन सिंह बीजेपी में जा सकते हैं, तो कुछ का मानना है कि जदयू का विलय आरजेडी में हो सकता है। तो मीडिया का एक धड़ा दो दिन से नीतीश कुमार को बीजेपी से मिलाने पर तुला है। उधर एनडीए भी इसी ताक में बैठा ही है कि कब नीतीश लालू का याराना टूटे। लोकसभा चुनाव में इन सभी पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर है और सबकी नज़र नीतीश पर है। कहा जाता है कि धुआं उठने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आग सुलग रही है। एक खुशफुसाहट का आज अंत हो गया। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह को आज उनके पद से हटा दिया गया। नए अध्यक्ष बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद बन गए। लल्लन सिंह को हटाए जाने की खबरें पिछले एक हफ्ते से चल रही थी। इस खबर के साथ ही ये खबर भी चल रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ जाएंगे। धुआं उठा है तो निश्चित ही आग भी लगी होगी, क्योंकि यह आग दोनों तरफ से लगी है। लल्लन पर आरोप रहा है कि जेडीयू के बजाय आरजेडी के लिए काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की भी प्लानिंग हो रही थी। निश्चित है कि महागठबंधन अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार जब भी कोई दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की खुला रखते हैं। मतलब साफ है कि नीतीश को भी कोई सहारा चाहिए। दूसरी ओर केंद्र में फिर से सत्ता में आने के लिए बेचैन बीजेपी को बिहार में क्लीन स्वीप चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार उनके मददगार बन सकते हैं। आइए देखते हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए अपने साथ लेने के लिए क्यों मजबूर है। बीजेपी की लाख कोशिशों के बाद भी बिहार में कद्दावर नेतृत्व नहीं तैयार हो सका है। बिहार बीजेपी के सुशील मोदी, नित्यानंद राय आज भी मानते रहे हैं कि बिहार में नीतीश का साथ जरूरी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी अभी भी अपनी जात के ही नेता हैं। हालांकि आज की बीजेपी किसी भी प्रदेश में कोई चेहरा नहीं बना रही। अभी हाल ही में देखा गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और सफल भी हुए, पर इन तीनों राज्यों में बीजेपी का आधार बहुत पुराना है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार की राजनीति भी अलग तरह की है। बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सेफ गेम खेल रही है। वह कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती है कि जैसा 2004 में हुआ था। इंडिया साइनी की धूम में पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते तब सत्ता गंवा दी थी। यही कारण है कि जहां भी पार्टी को थोड़ा भी आशंका है, वहां वह हर तरह की तैयारी कर रही है। पार्टी को पता है कि उत्तर भारत में अगर अधिकतम सीटें नहीं मिली तो खेला हो सकता है। 2019 में बिहार की सफलता में नीतीश कुमार के अहम रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में भी लोकसभा चुनावों में स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। दूसरी वजह है कि बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स के कैलकुलेशन में भाजपा के लिए नीतीश जरूरी हैं। वैसे तो पूरे देश की राजनीति में जात सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, पर बिहार की राजनीति में इसका असर कुछ ज़्यादा ही है। उत्तर भारत में मंडल आयोग का सबसे अधिक प्रभाव बिहार में रहा। पिछड़ों में राजनीतिक जागरूकता के लिहाज से भी बिहार अब सबसे आगे रहा है। दूसरे यहाँ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अपना अपना जातिगत वोट बैंक है। इसके साथ ही कांग्रेस भी यहाँ उत्तर प्रदेश के मुकाबले ठीक ठाक पोजीशन में है। यही कारण है कि भाजपा को यहाँ पूर्ण बहुमत वाली राजनीति के एक बड़े भाई की जरूरत हमेशा से रहती है। यहाँ बता दें आपको कि बिहार में 81.99% हिंदू हैं, जबकि 17.70% मुस्लिम, 0.05% ईसाई और 0.01% सिख और 0.08% बौद्ध समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। जातियों में सबसे ज्यादा यादव 14.26% लोग हैं। यादव और मुस्लिम मिलकर करीब 32% वोट पर आरजेडी का एक तरफा होल्ड है, जिसे आज तक ना नीतीश कुमार भेज सके ना भाजपा।
यही कारण कि जब भी बीजेपी या आरजेडी अकेले चुनाव लड़ती है उसे हार का सामना करना पड़ता है, इसलिए ही ये दोनों पार्टियां नीतीश कुमार को अपने साथ साथ रखना चाहती हैं। एक वजह यह भी है कि बिहार का क्षेत्रवार सियासी समीकरण के लिए भी नीतीश अहम है। बिहार के सियासी समीकरण अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हैं। कई क्षेत्रों में आज भी एनडीए के लिए लड़ाई मुश्किल है। बीते कुछ चुनावों के परिणाम और वोट बैंक के पैटर्न को देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। उत्तर बिहार में महागठबंधन की तुलना में एनडीए का पल्ला भारी है। यहाँ लोकसभा की कुल 12 सीटें हैं, मतलब यहाँ पर जेडीयू के बिना चुनाव लड़ने के बावजूद एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं होना है। इसी तरह मिथिलांचल में महागठबंधन के मुकाबले एनडीए अच्छी पोजीशन में है। यहाँ कुल 9 लोकसभा सीटों पर दांव है। मिथिलांचल में 2024 के चुनाव में एनडीए को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सीमांचल और पूर्वी बिहार रीजन के चुनावी मुकाबलों में एनडीए पर महागठबंधन भारी पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार इंडिया में रहेंगे या एनडीए में जाएंगे, इस पर कयास लगाया जा सकता है। चुनाव 2024 का कैसा होगा, इस पर कयास लगाया जा सकता है। भाजपा नीतीश को अपने पाले में ला पाएगी नहीं ला पाएगी, इस पर कयास लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार की राजनीति के बारे में सिर्फ कयास ही लगाया जा सकता है। धन्यवाद।